जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे पाकिस्तानियों, आपने अगले जुमेरात यानी कि 8 फरवरी 2024 को इंशाल्लाह इंशाल्लाह वोट डालने ज़रूर निकलना है। और आज इस मैसेज के थ्रू हम आपको थोड़ी सी मालूमात देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप सब लोग अब तक 8300 पर मैसेज कर चुके होंगे। आपको अपने कौमी हलके का, सूबाई हलके का भी पता होगा, ये भी पता होगा कि कौमी हलके की पर्ची सब्ज होती है, सूबाई हलके की पर्ची सफ़ेद होती है, स्पेशली जब आप वोट डाले जाते हैं। लेकिन एक और बात का जिक्र बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हर बंदा अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने घर में काम करने वालों के लिए एक पर्ची बना के लेके जाए। तो आज इस वीडियो में हम आपको उस पर्ची के बारे में मालूमात देना चाहते हैं ताकि आप पर्ची वो अपने लिए सिर्फ बना सके बल्कि अपने घर वालों के लिए भी बना के रखें ताकि उस दिन आपको आसानी हो। आए देखते हैं। तो जी, आपने जब पहले 8300 पे मैसेज करना है अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजते हुए, तो उसके बाद आपको जो मैसेज रिसीव होगा उसी में ये तीनों चीजें लिखी होंगी, यानी कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर तो है ही है, ब्लॉक नंबर, सिलसिला नंबर और घराना नंबर। आप उस मैसेज में से ये डिटेल्स हर बंदे के लिए अलग अलग पर्ची पे कॉपी कर लेंगे। इससे होगा ये कि जब आपके पास ये पर्ची होगी तो उस दिन मतलब यानी कि 8 फरवरी 2024 को आपको लंबी लाइनों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप सीधा ये पर्ची लेके अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाएंगे, वो इसी पर्ची को यूज करते हुए सबसे पहले आपका शनाख्ती कार्ड नंबर देखेगा अपनी लिस्ट में और सीधा आपके सिलसिले और घराने नंबर से, बहुत लंबी लिस्ट होती है उसमें ढूंढने में टाइम लगता है, आपको पहचान सकेगा और साथ ही साथ आपको सब्ज पर्ची कौमी हल्के की और सफेद पर्ची सुवाई हल्के की दे सकेगा ताकि आप अपना वोट डाल सकें। ना सिर्फ अपने लिए पर्ची बनाएं, दूसरों के लिए भी आसानी करें, स्पेशली आपके घर में जो लोग काम करते हैं उनको ये पर्चियां खुद बना के दें। बहुत शुक्रिया जी।